अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले एक देगची में 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इसमें 2 लहसुन के जवे डालेंगे क्रश किए हुए, और नहीं तो आप लहसुन के 2 जवे लेकर उसका पेस्ट बना लें। अब इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। लहसुन फ्राई हो चुका है। अब इसमें 250 ग्राम या 1 पाव चिकन डालेंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है। और अब चिकन को 5 मिनट पका लेंगे या जब तक कि ये गल जाए। अगर चिकन थोड़ा कच्चा रह जाता है तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब बाद में चावलों के साथ मिक्स करके दम लगाएंगे तो उसमें सही हो जाएगा। अब इसमें मैं 1/2 कप बंद गोभी डालकर इसको मिक्स कर लूँगी। बंद गोभी के बाद अब गाजर और शिमला मिर्च डालेंगे 1-1 कप। डालने के बाद इनको भी मिक्स कर लेंगे। और इन सब वेजिटेबल्स को बस मिक्स ही करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। इसमें नमक डालूंगी हसबे जायका, और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। अगर मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें। एक या 1.5 टेबल स्पून सोया सॉस डाल देंगे। सोया सॉस डालने के बाद मैं इसमें 1 हरी मिर्च कटी हुई डाल दूंगी। और हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको फ्लेवर इसका पसंद हो तो डालें, वरना रहने दें। अब मैं इसमें 1 कप चावलों का पानी डालूंगी। चावलों को उबालते टाइम मैंने पानी अलग करके 1 कप में रख दिया था। अब इसमें 2 कप बॉईल किए हुए चावल डालेंगे। चावलों को मैंने बस 80% तक ही बॉईल किया था। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करके दम पे लगा देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन एंड वेजिटेबल फ्राइड राइस तैयार है। अब मैं इसको डिश आउट कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।